जब आप 30 सितंबर वाली रैली का ऐलान कर रहे हैं, अभी मैं उस रैली की तफसील की तरफ आता हूँ, एक इतना बड़ा चैलेंज सामने अगर आ जाए तो उसको आप कम्प्लीटली आंखें बंद करके नज़रअंदाज कर देंगे कि आपको मुल्क को धमकियाँ मिल रही हैं, तो आपके वो पार्टी जो चाहती है कि नून लीग की हुकूमत गिरा के हुकूमत में आ जाए, पता नहीं आएंगे कि नहीं आप, लेकिन आपकी ख्वाहिश तो यही है, तो आप इंडिया वाले इशू के ऊपर पोजीशन लेने पर मादा नहीं। तो जो तनकीद नवाज शरीफ के लिए है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, वो तनकीद आपके ऊपर भी है एज अपोजिशन पार्टी। भाई साहब, हम हुकूमत में आएंगे वो तो एक बात क्लियर है, मगर दूसरी बात जिस तरीके से आप आने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो इन्होंने मान लिया कि वो चांसेस कम है। जो जो आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट खान साहब कश्मीर पर बहुत मतवा दे चुके, उड़ी अटैक के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को हमने तंकीद की है ना कि नहीं बोले, तो उड़ी अटैक के बाद इमरान खान क्या बोले, बयान आ चुका है उनका क्या अखबार, मुझे याद पता नहीं कहाँ किसी लिख के नई मुलाक साहब ने ना जारी कर दिया। मैंने वीडियो की उतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी, इमरान खान साहब की मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी देखी, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस उस इशू पर नहीं थी ना, जिस इशू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जरूर करेंगे, मगर मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर को मैं ना बनाऊं, मैंने आप फिर जायज बात नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर का बोलना और इमरान खान का बोलना, जब प्राइम मिनिस्टर बाहर है वो इसी मकसद के लिए गया है, वो ना बोले भैया तो आप अपोजिशन पार्टी में आप कहते हैं नवाज शरीफ सही काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, देखो हम तो फॉरेन तो फिर आपने कौन सा सही काम करके दिखाया, हम तो मुसलसल मशवरा दे रहे हैं यार, कम से कम 20 प्रोग्राम आपके साथ कर चुके हैं कश्मीर, मैं सही कह नहीं सकता।